नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ आईफोन 12 का। और मेरे पास ये जो यूनिट है, ये इंडियन रिटेल यूनिट है। इसे मैंने एप्पल ऑथोराइज रीसेलर से परचेज़ किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटा सा बॉक्स है। एंड वी ऑल नो कि इसके अंदर सिर्फ एक आईफोन और एक चार्जिंग केबल मिलने वाला है। बट एनीवे, चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स के अंदर मिलता है ये आईफोन 12 और ये लाइट ग्रीन कलर का है। और स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ये स्टिकर लगा हुआ है जिसपे बटन्स की मार्किंग दी गई है। चलिए इस स्टिकर को हटाते हैं। तो ये है आईफोन 12 जैसा आप देख सकते हैं। चलिए इसे साइड में रखते हैं। ये है चार्जिंग केबल जिसका एक एंड लाइटनिंग पोर्ट है और दूसरा टाइप सी पोर्ट है। ये है सिम इजेक्टर पिन, कुछ पेपर वर्क्स और ये एक एप्पल का स्टिकर। तो बस बॉक्स में इतना ही है। तो सबसे पहले इसके बेल्ट और डिज़ाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों में ही ग्लास पैनल दिया गया है। फ्रेम जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम का देखने को मिलता है जिसपे की मैट फिनिश दी गई है। रियर जो ग्लास पैनल है वो ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है जिस वजह से फिंगरप्रिंट स्मजेस इस फोन में काफ़ी ज़्यादा विजिबल होते हैं। इसके अलावा ये फ़ोन IP68 सर्टिफाइड है और फोन काफ़ी लाइट वेट है। इसका वेट सिर्फ 164 ग्राम है। 6.1 इंच का सुपर रेटिना HDR OLED डिस्प्ले इस फोन में दिया गया है जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन है 1170x2532 पिक्सल का। डिस्प्ले की टिपिकल ब्राइटनेस 625 निट्स की है और मैक्सिमम ब्राइटनेस 1200 निट्स की दी गई है। इसके अलावा ये डिस्प्ले डॉल्बी विजन, वाइट कलर गैमट और ट्रू टोन भी सपोर्ट करता है। प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे सेरेमिक शील्ड का यूज़ किया गया है जो काफ़ी टफ माना जाता है और यह डिस्प्ले को शटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। शटर प्रूफ नहीं है, शटर रेजिस्टेंस है। इसका मतलब अगर फ़ोन गलती से गिर जाता है तो फ़ोन के डिस्प्ले के क्रैक होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे iOS वर्जन 14.1 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। और स्टोरेज की बात करें तो ये 128 GB वाला वेरियंट है और इसमें से 13.9 GB यूज है, बाकी का फ्री है। तो iOS 14 आने के बाद में मेनली दो तरह के अपग्रेड देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ पे विजेट का सपोर्ट मिल जाता है, तो अलग अलग तरह के विजेट आप यहाँ लगा सकते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे फीचर देखने को मिलता है वो ऐप लाइब्रेरी का है जहाँ आप अपनी सारी ऐप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक लिस्ट व्यू में भी इन्हें आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो फ़ोन के जनरल परफॉर्मेंस और यूज़र इंटरफेस की बात करें तो फ़ोन बहुत ही फास्ट है, बहुत ही स्नैपी है। एप्पल का लेटेस्ट A14 बायोनिक चिपसेट इसमें दिया गया है जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बिल्ड किया गया है। तो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पावर एफिशिएंट चिपसेट है। 11 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन पर सेकेंड ये हैंडल कर सकता है। सो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इस फ़ोन में देखने को मिलती है और मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में भी इस फ़ोन से आपको एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक की बात करें तो वो ये है कि इसके डिस्प्ले में 60Hz की रिफ्रेश रेट दी गई है जिस वजह से स्क्रॉलिंग इतनी स्मूथ नहीं लगती है। स्पेशली अगर आपने इससे पहले कोई 90Hz रिफ्रेश रेट वाला या 120Hz रिफ्रेश रेट वाला स्मार्टफोन यूज़ किया गया तो आपको यहाँ पे जो स्मूथनेस है वो थोड़ी मिसिंग लगती है। फॉर एग्जाम्पल iPad Pro में भी 120Hz का प्रोमोशन डिस्प्ले दिया गया है तो iPad Pro की स्क्रॉलिंग में और iPhone 12 की स्क्रॉलिंग में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगता है। iPad Pro ज़्यादा स्मूथ फील होता है और iPhone 12 जो है मुझे यहाँ पे स्मूथनेस थोड़ी सी कम लगती है। हालांकि स्क्रॉलिंग फास्ट है दोनों में जैसा आप देख सकते हैं, लेकिन जो स्मूथनेस है वो प्रो में काफ़ी अच्छी है और 12 में इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। तो एक डील ब्रेकिंग पॉइंट मैं नहीं बोलूँगा इसको, लेकिन डेफिनेटली एक ड्रॉबैक ज़रूर है। इसके अलावा इस फ़ोन में बैक टैप का फीचर दिया गया है। तो जैसे ही आप बैक पैनल पर डबल टैप करेंगे तो ये देखिए असिस्टिव टच यहाँ पे विजिबल हो गया, और फिर से डबल टैप करेंगे तो असिस्टिव टच डिसेबल हो गया। अब इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी टच, और यहाँ सबसे नीचे बैक टैप, फिर यहाँ डबल टैप। तो डबल टैप में मैंने असिस्टिव टच कॉन्फ़िगर किया गया है, बट कोई सा भी आप फंक्शन यहाँ पे इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिमिलरली ट्रिपल टैप से भी आप कोई सा भी एक टास्क या फंक्शन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर इस फ़ोन में दिया गया है। चलिए अब इसके कैमरे की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा दिया गया है जिससे आप 4K वीडियो 60 FPS पे शूट कर सकते हैं। रियर कैमरे की बात करें तो रियर में ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है जिसका अपर्चर है f/2.4 और जो दूसरा कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है जिसका अपर्चर है f/1.6 और ये कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। सो यहाँ पे आप कुछ सैम्पल शॉट देख सकते हैं और फोटोज़ की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आई है। डे लाइट में लिए गए फोटोज़ काफ़ी क्रिस्प क्लियर हैं।
कलर सेचुरेशन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट लेवल सब कुछ काफ़ी बढ़िया है। एकदम नेचुरल लुकिंग कलर्स यहाँ पे फोटोज़ में देखने को मिलते हैं। ये वाला फोटो फ्रंट कैमरे से लिया गया है और आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड प्रॉपरली ब्लर हुआ है, एज डिटेक्शन भी काफ़ी प्रॉपर है। सिमिलरली नाइट में और लो लाइट में लिए गए फोटोज़ भी आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी अच्छे आए हैं। बहुत ही कम नॉइज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है। ये एक आप वीडियो सैंपल देख सकते हैं और इसे मैं हैंड हेल्ड शूट कर रहा हूँ और स्टेबलाइजेशन फिर भी यहाँ पे कमाल का देखने को मिलता है। सो ओवरऑल आईफोन 12 का कैमरा बहुत ही अच्छा है। आईफोन 12 के कुछ प्रोज की बात की जाए तो एक तो अच्छी बात ये है कि एक 5G फ़ोन है, सो फ्यूचर रेडी फ़ोन है ये। एप्पल का लेटेस्ट A14 बायोनिक चिपसेट दिया गया है इसमें, तो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का है तो इसे कैरी करना भी बहुत ईजी है, सिंगल हैंडेडली यूज़ करना भी इसे बहुत आसान है। वहीं पे अगर कुछ कॉन्स की बात की जाए तो एक जो मुझे कॉन लगा कि एक तो मुझे इसका डिस्प्ले उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज 60Hz की रिफ्रेश रेट है, तो यहाँ पे प्रोमोशन डिस्प्ले होता तो ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा सा ब्राइटनेस लेवल भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा यहाँ पे कम है, ब्राइटनेस लेवल भी थोड़ा यहाँ ज़्यादा होना चाहिए था। दोस्तों ये था आईफोन 12 का इनिशियल इंप्रेशन और क्विक रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।